हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। और ये वाला जो क्विक ट्यूटोरियल मैं बनाने जा रहा हूँ, ये उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है जहाँ पर आप अगर इमेजेस सेव कर रहे हैं इंटरनेट से, वो JPG की जगह पर एक GIF के अंदर सेव हो रही हैं। दोस्तों, ये वाली प्रॉब्लम एक्चुअली विंडोज 10 में रिसेंटली आ रही है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिट में चेंजेस हैं। तो दोस्तों, उसको करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। और दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन में प्रॉब्लम कुछ इस तरह से फेस हो रही होगी आपको। ये मैंने यहाँ पे एक इंटरनेट खोल लिया और ये देखिएगा, कोई इमेज है, मान लीजिए ये वाली इमेज आप देख रहे हैं बिल गेट्स की। इस वाली इमेज को मान लीजिए अब सेव करने लगे हम, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, तो देखिएगा ये वाला प्रॉब्लम फेस होगा। ये देखिएगा यहाँ पे ना डाउनलोड JPEG आ रहा है दोस्तों। एक्चुअली में JPG आना चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि अब करें क्या। इफ़ यू गो टू सेव एज टाइप, वहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसे करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको सही करने का दोस्तों प्रोसीजर ये है कि आप अपने कंप्यूटर में यहाँ पर जहाँ पे सर्च बार होता है, वहाँ पर आपको लिखना है रजिस्ट्री REG। ये देखिएगा दोस्तों, रजिस्ट्री एडिटर जो लिखा आता है, ये वाला ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आएगा इस तरह का, उसको यस कर दीजिए ऑप्शन को। और उसके बाद दोस्तों, अब आप देखिएगा करना क्या है, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाइए और ये कॉर्नर में इस साइड पे, यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो देख रहे हैं H की क्लास रूट, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कीजिए MIME। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाली फाइल आ जाएगी MIME। इस वाली फाइल को एक बार फिर दोबारा आप ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन आती है डेटाबेस। ये देखिएगा, ये डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया। और डेटाबेस ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको करना है कंटेंट टाइप, इसको भी ओपन कर लीजिएगा। जो कंटेंट टाइप लिखा आ रहा है, इसको भी ओपन कर लीजिए। कंटेंट टाइप के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इमेज। इमेज पे आ जाना है। आप देखिएगा यहाँ पे नीचे आते जाएंगे हम, तो एक ऑप्शन आएगी image.avci। इस तरह से करते करते आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर image/JPG लिखा हो। ये दोस्तों, जहाँ पर image/JPG लिखा है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक इसके ऊपर जब आप करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे एक एक्सटेंशन लिखा आता है फिगर। ये मेरे कंप्यूटर में 4th पे लिखा रहा है एक्सटेंशन रजिस्ट्री और .jfif। इस वाले ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद आपको ये जो JIFIF जो लिखा है, इसको चेंज कर देना है, इसको कर देना है .jpg। यहाँ पे दोस्तों इसको ओके किया। ओके के बाद अपना कंप्यूटर रिफ्रेश कर लीजिए। अब एक बार चलते हैं वापस और यहाँ पर हम सेव करने लगते हैं, सेव इमेज एज। तो दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पर .jpg आ गया। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट 10 में फेस हो रही है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रेज हुई है। अदरवाइज़ दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।